मैं सीनियर व्यक्ति है, टोकूंगा नहीं, दो मिनट में अपनी बात। अध्यक्ष जी, आप जानते हो कि मुंबई शहर फुर्तीला था जब मुंबई में टेक्सटाइल्स मिल्स थी, जब मुंबई की बंदरगाह पे मुंबई पोर्ट्स का काम होता था। पिछले कई सालों से टेक्सटाइल मिल एक हड़ताल क्या हुई, आप जानते हो, सारी टेक्सटाइल मिल ध्वस्त हुई। 1995 में केंद्र सरकार ने कानूनन बदल करके इसकी रिवाइवल की बात की, वो क्लॉज उतना ही मैं पढ़ता हूँ। द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन अमेंडेड इन 1995 टू अलाउ NTC टू ट्रांसफर मॉर्गेज और डिस्पोज ऑफ लैंड प्लांट्स मशीनरी और अदर एसेट्स फॉर बेटर मैनेजमेंट मॉडर्नाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग और रिवाइवल ऑफ सिक अंडरटेकिंग। अब ये सारी कंपनियां 77 कंपनियां बंद है मुंबई की सारी, मतलब मिल बंद है, कुछ चालू है। मैं आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव करता हूँ कि 7 वर्ष हुए हमारी नई सरकार आई है पिछले 1995 में, तो इनको रिवाइव करने के बारे में पूरे देश के NTC के लोग आए थे बीच में। तो मैं आपको एक प्लान देता हूँ कि जिसमें आप कंपोजिट मिल बनाओ, यहाँ एक प्लांट चलो, वहाँ एक प्लांट चलो, सभी मिलकर एक जगह आ जाओ, उसमें गारमेंट लाओ, बेरोजगारी बढ़ रही है वो बेरोजगारी भी निकल जाएगी, काम भी बनेगा, उपरोक्त तो लैंड जो खाली पड़ी है उसमें से सरकार पैसा खड़ा कर सकती है और इन बाकी लोगों को मिलों को रिवाइवल कर सकती है। उतना काम जल्दी से जल्दी करिए ताकि रोजगार भी उपलब्ध हो और जो काम कर रहे उनका भी काम आगे बढ़े। इतनी भी मेरी प्रार्थना आपके माध्यम से सरकार की तरफ है, सरकार कदम उठाए, ऐसी प्रार्थना।